सीएम साहब के होटल है ना, वहाँ करके सीएम। देखिए तो ये बस अड्डा कसोल हैंग आउट होटल के जस्ट बगल में ही है। अगर आप हैंग आउट होटल को क्रॉस करते हैं, आज हम जर्नी करने वाले हैं हॉलीडे अपील्स। मैं अभी कसोल के प्राइवेट बस स्टैंड में खड़ा हूँ। जो हमारा बस का टाइमिंग है वो है 8:30 पे यहाँ से डिपार्चर होती है बस, और अगले दिन के 9:25 पे दिल्ली मजनू का टीला आपको छोड़ देगी। तो टोटल डिस्टेंस ये बस आज कवर करने वाली है, 519 किलोमीटर का सफ़र ये बस से आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं इस बस के अंदर क्या फैसिलिटी मिलती है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सो जय हिंद दोस्तों, मैं आप उसके बाद आपको दिखाते हैं बस में फैसिलिटी। सो बस में टोटल सीट कितनी है? 41। तो जो आज हमारी सीट होने वाली है वो होने में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप इस बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एक फैसिलिटी मिलती है, वो है कम्बल की। सो मेक श्योर उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता, बट इस बस में आपको एक ब्लैंकेट मिल रहा है जो कि यहाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देख सकते हो यहाँ पे जो स्पेस है कितना ज़्यादा है। आप अपना लैगेज फुल आराम से रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक सीसीटीवी कैमरा मिलेगा जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक यहाँ पे मिलने वाला है सीसीटीवी कैमरा, और आपको एक दो यहाँ पे मिलने वाला सीसीटीवी कैमरा। हाँ हाँ, ये दो सीसीटीवी कैमरा मिलने हैं, एक यहाँ एक ड्राइवर साहब के जस्ट ऊपर ये, जो कि आने जाने के लिए भी है, ठीक है। और फैसिलिटी पर्सनली अगर आप अपने सीट पे हो तो पर्सनली एक और फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। वो है ये चार्जर पॉइंट। तो देख सकते हो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला कि आप अपने बेड पे बैठ के आराम से चार्ज कर सकते हो, क्योंकि इस बस के लिए इस बस में आज ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, तो हम बस चलने का वेट करते हैं और आगे की फैसिलिटी हम आपको बताने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। फाइनली सीट पे अवेलेबल है। तो इसमें एक और है आपके लिए, जो कि आप अपने सीट की कवर को अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आपकी फैसिलिटी जो है एक सीट बेल्ट भी आपको मिलता है। ये सीट बेल्ट आपको मिलने वाला है, और इस बस में आपको वाईफाई भी मिलने वाली है। तो इस बस की हो गई इंटीरियर जो है, बाकी बस चालू होने के बाद देखते हैं कि क्या मिलने वाला है। अपील इनका कवर हॉलीडे अपील का ही कवर मिलता है इसमें, तो कवर लगा है पूरा हॉलीडे अपील का ही लगा है इसमें। पेसिमी स्लीपर बस है जो कि आप यहाँ से आप उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप इसको उठा सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी मिलती है जो कि आप यहाँ पे नल पैर रख सकते हैं, और ये होटल की लगेज है। हमारे बस में काफ़ी साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा साफ सुथरा है। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस मिलने वाला है, जो कि बैग टोकन भी मिलता है भैया, इतना स्पेस है भैया। सो भाई आपका नाम? मेरा नाम हरदीप सिंह। हरदीप सिंह भैया पंजाब से हैं। सो देखो आपको अराइव के टाइम वहाँ पे ये मांगा जाएगा, क्योंकि आपका सेफ्टी के लिए है ये, कि आपका बैग कोई और
नहीं ले सकता। तो अब भी हमारी तो टाइमिंग हो चुकी है अभी 8, अभी आधे घंटे 8:30 बजे चलेगी। तो आपके साथ हम सफ़र करने वाले हैं, चलते हैं। तो हम गाड़ी चलने का वेट करते हैं। 8:30 इवनिंग में, 8:30-9 और 3 गाड़ियाँ इधर से, 8:30-9 इसके बाद चलेगी एक, 2:30-8 निकलती है, 2:30-8 पे निकलती है, 1:30-9। अच्छा, हमारा अभी बस निकलना शुरू हो गया, अभी जस्ट ट्रैफिक ओपन हुआ है। ये बस तो निकल रही है, देखते हमारी बस कब तक निकलती है। अभी हमारे टाइम हो गया 21:10 हो गए, तो हमारी बस भी अब जाम लगेगा के। So, finally, हमारी बस अब निकल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। ट्रैफिक के साथ साथ आज जो हुआ एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए आज की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे एक और फैसिलिटी मिल रहा है जो कि वाटर बोतल का है। तो आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है वाटर बोतल, यहाँ पे पानी की बोतल मिल रहा है। तो देखते हैं, तो मेरा नाम प्रताप सिंह और ये मेरा भाई, कोऑपरेट करिए उससे पहले हम लोग एंटर हो सके कसोल रोड पे। कसोल में 6:30 भुंतर से, भुंतर टू कसोल, भुंतर से जो कसोल का हाईवे है उसके ऊपर 6:30 में मॉर्निंग हाईवे क्लोज है। सीएम साहब के ऑर्डर है ना, हिमाचल के सीएम साहब। ओके, ठीक है। सो आप उससे पहले आने की कोशिश करें, क्योंकि ये इससे पहले हम लोग संदर को ऑपरेट करेंगे तो हम लोग वहाँ उससे पहुँच जाते हैं। ओके, सो संदर ही बार बार बोलते रहे गाड़ी यार वो लोग वहाँ। सो आप ने सुन चुका है ये मैसेज, ये हिमाचल के सीएम का ही ऑर्डर है कि जो भुंतर से कसोल आने वाला जो हाईवे है वो 6:30 बजे क्लोज है, ठीक है। सो आप थोड़ी सी कोऑपरेट करें, सो आप टाइमली कसोल पहुंच सकते हैं। सो हम मिलते हैं अब स्टॉपेज पे। हाँ हाँ भैया, ये 8:45 वाली है, 8:45 है, सीट नंबर 5 है, अमीश के नाम से चेक कर लो। वो पीछे वाली गाड़ी में है, वो पीछे वाले में 0709। हाँ जी, ठीक है, चलो। So, इनका मतलब इस सेम गाड़ी सेम कलर है, ध्यान रखना अंकल जी। कि ये कितनी स्टॉपेज है इसका? इसका हाँ, इस बस का कहाँ पर मतलब एक कसोल से निकलती है तो दूसरा स्टॉपेज यहाँ पे मंदिर के पास है। मंदिर में तो सवारी पिक करने के लिए ना, पैसेंजर पिक करने के लिए। अच्छा, एक नंबर सीट में फोन करो यार। और तो ऐसे इनका मतलब दिखा रहा था ऑर्डर करने पे 2 स्टॉप 3 स्टॉप ये दिखा रहा था पिकअप का, पिकअप का पिकअप पॉइंट। तो जैसे मान लो ये लग रहा है फर्स्ट हो गया कसोल, सेकंड शनि मंदिर और थर्ड जरी। तो यहाँ 3 पिकअप पॉइंट है और आपका एक ड्रॉपिंग पॉइंट है, वो है मजनू का कसोल के चलने के बाद मंदिर के बाद आप कसोल से चलने के बाद शिवानी मंदिर सोमारूपा से चलने के बाद जरी, जो कि टैक्सी स्टैंड जो कि थर्ड स्टॉपेज है ना। Thank you.
सो थर्ड स्टॉपेज यहाँ होने वाला है, ये टैक्सी स्टैंड। ओके, सो अगर सिर्फ तीन ही पिकअप पॉइंट है यहाँ, इसके बाद यहाँ पिकअप पॉइंट नहीं है, बट आप कहीं भी यहाँ से उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू। आप कॉल करके आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे हूँ, तो ये आपको पिक और ड्रॉप दोनों कर देते हैं। ये एक का पहला स्टॉपेज है बंडोड, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। मैं आपको व्यू हाँ विंडोज का ये ढाबा है, सो अब हम मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में अपने डेस्टिनेशन पे। दूसरा स्टॉपेज जो कि मॉर्निंग का सितारा मन्नत होटल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बस जो स्टॉपेज है वहाँ आपका 15 मिनट का स्टॉपेज है कि आप आराम से फ्रेश हो जाइए और बाथरूम वाथरूम कर लीजिए। तो हमारी बस वो खड़ी है, से एक घंटे पहले आ चुके हैं हम, और वहाँ से हम एक घंटे लेट चले थे, लेकिन टाइम से एक घंटे पहले आए हैं। तो देखते हैं कश्मीर का जर्नी के बारे में, उसके बाद बताते हैं कहीं का सफ़र कैसा रहा। क्या आप इसमें ट्रैवल किए हो ना, कहाँ से आए हो? द्वारका से। द्वारका से चढ़े हो, मतलब कसोल से चढ़े हो ना आप? कसोल घूम लिया पूरा? अच्छा, ऐसा कौन सा अच्छा प्लेस है पार्ट कसोल का जिसे घूमने के लिए? कसोल में आप मणिकरण गुरुद्वारा है, वहाँ जाने के लिए आओ, मंदिर है, और इससे ऊपर जाके दो से ट्रैकिंग की गंगा, वो ऑसम प्लेस है। सफर अच्छा लगा, चलिए बाकी देखते हैं। तो अपना अपना लगेज ले रहे हैं, हम भी अपना लगेज ले लेते हैं भाई। तो ये रहा लगेज, चुके हैं अपने टाइम से, और अगर वीडियो सही लगा समझ सकते हो तो हम मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में आपसे।